जब वो लोग भारतनाथ भगवान की श्री खास पुत्र करते अतः अपराणे आचार्य पुनरान किया हम पूर्वाचार्य में सकल कक्षात हम भाव पुष्प वंदनास्तव एवं श्री सिद्धवती का सर्व प्रभु हम नवान पर करता नित्यं नमामि सर्वसन्मनो
के जिगाव तो व्यवनमत जिसम उज्जवल भय निवारे Thank you.
विराजमान तीन प्रमुख गुरु प्रार्थना गुरु विराजमान तीन विराज
नमो से
मार्ग का नाश कर लीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने आंखों को बंद कर लीजिए, अपनी चिंता को स्थिर कर लीजिए और मन ही मन चिल्लाइए नमो अरिहंतारं, बस चुप हो जाना है एक सेकंड के लिए। एक सेकंड तो बहुत ज्यादा है, थोड़ी देर का क्या कर लीजिए, बहुत देर ध्यान के अंतर्गत आप पाएगा और इतनी शांति मिलेगी, सबसे उत्कृष्ट ध्यान हो जाएगी। ऐसी एक माला करने में कम से कम 48 मिनट लगते हैं, एक माला करने में। अगर आप ऐसे माला करते हैं तो बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक एक एक मंत्र को अच्छे शुद्ध उच्चारण करके बिल्कुल पवित्र भावनाओं के साथ शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। ऐसी वाली जाप नहीं, ऐसे तो तुम 3 मिनट में एक माला कर लोगे, 108 बार पढ़ लोगे 3 मिनट में और 2 मिनट भी चल जाएगा तो क्या तो वंदे मातरम आ गई ना, तो वंदे मातरम चलती है सीधी सीधी। तो इस प्रकार ये जाप बताएंगे। तो उपयुक्त अनुसार जाप माला से आसन में 108 बार घंटे का जाप करना चाहिए। कायस्थ करने में नमकार मंत्र की उच्चारण की विधि 27 है। जब आप कायस्थ करने के लिए कहा जाए तो 27 कायस्थ उत्कृष्ट कहलाता है। जैसे ऋणमो अरिहंतारं में सांस लेना, नमो सिद्धारं में छोड़ना, नमो आयिर्यारं में लेना, ऋणमो उवाचारं में छोड़ना, ऋणमो लोहे में लेना और सब सावन में छोड़ना। तो 3 बार सांस लेना छोड़ना होता है। एक बार नमकार मंत्र पढ़ने के लिए 3 श्वास होता है, श्वासोच्छ्वास मतलब उच्छ्वास निच्छ्वास लेना और छोड़ना होता है। तो 9 बार नमकार पढ़ने में 27 श्वासोच्छ्वास होता है। तो 9 बार नमकार पढ़ने के लिए 27 श्वासोच्छ्वास का प्रयोग किया जाता है। ये उत्कृष्ट मंत्र जाप कहलाती है। जाप किसके माध्यम से की जाती है? जाप किसके माध्यम से की जाती है? जाप दान में तो माला के माध्यम से की जाती है, फिर ध्यान आगे बढ़ता है तो अंगुलियों के माध्यम से की जाती है, और जाप में निपुण हो जाए तो बिना उंगली चलाए मात्र मन में स्मरण करना चाहिए। पहले माला से, फिर उंगली से और तीसरे नंबर मन से। बिल्कुल आपका मन केंद्रित करना है, कहां पर? यहां पर अपने मन केंद्रित करिए, जहां पर आप अंगूठा रखते थे जाप करने के लिए वहां पर अपने मन को केंद्रित करिए। एक तरफ इन 12 उंगलियों पर केंद्रित करिए एक एक करके, और यहां से शुरू करके और करते जाइएगा, यहां बढ़ते जाइएगा। मन को केंद्रित करना है और बीच में मेरु में 3 मोती होना चाहिए, एक मेरुदंड ऐसा माना गया है। तो वही से जाप प्रारंभ की जाती है। 3 मोती जब लगे रहते हैं उसमें बोले अष्टांग समय दर्शनाय नमः, अष्टांग समय ध्यानाय नमः और त्रिवदस समय चारित्रिभ्यो नमः। समय दर्शन के 8 वे, समय ज्ञान के 8 वे और समय चारित्र के 13 वे होते हैं। तो उन सब की हमें प्राप्ति हो ऐसी मन में भावना भाते और फिर हम जाप को करते हैं और उन्हीं को जाप पूरे होने के बाद पुनः एक बार बोलते हैं, शुरू में भी और लास्ट में भी दोनों बार बोल दें, एक बार तो मिलेगा एक बार तो सुन ले। अब प्रश्न उठता है कि जाप किसकी बनी होना चाहिए, किसकी बनी हो? तो जाप सूत अर्थात सूती धागे से बनी होनी चाहिए। सूत की माला सदा सुख देने वाली होती है। सोना, चांदी, मूंगा, लौंग, कमल बीज, स्फटिक और मोती की माला हजारों उपवासों का फल देने वाली होती है और अग्नि द्वारा पकी हुई
अग्नि द्वारा पकी हुई मिट्टी, हड्डी, लकड़ी, रुद्राक्ष की मालाएं कुछ भी फल देने वाली नहीं है, तथा ये मालाएं अयोग्य मानी गई है, इसलिए इन मालाओं से जाप नहीं किया जाता। अन्य लोग करते होंगे, हमारे यहाँ इनको स्पर्श भी नहीं करते हैं। रुद्राक्ष की माला कहीं कहीं जाप करने के लिए करते हैं लोग, कर लेते हैं, लेकिन यथार्थ में ग्रंथ में देखा जाए तो कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता कि रुद्राक्ष की माला से करें। उत्कृष्ट धातु से ही माला धारण करते हैं, सोना चांदी उत्कृष्ट धातु है, उससे जाप करें अच्छा फल प्राप्त होता है। भाव शुद्धि बढ़ती है, मैं कहता हूँ जैसा द्रव महात्मा होता है वैसे भाव होते हैं। रुकी रुकी माला हो तो रुकी रुकी भाव, और अच्छी माला हो तो अच्छे भाव। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास अच्छी माला नहीं है तो आपके भाव नहीं लगेंगे, नहीं ऐसा नहीं। इसी के लिए एक सूत की धागा वाली जाप माला करने से बड़ा उत्कृष्ट मन लगता है, और उसके हाथ में सोने की माला दे दी जाए तो विकल्प पैदा होते हैं। इसलिए अधिकांश देखा जाए तो साधुओं की बात सोने की माला नहीं होती, सोने की माला होगी तो वो जिसकी जो देता है उसको वापस कर देते, ये तुम्हारे लिए वापस पहले ले लेंगे और फिर वो उसी को दे देंगे लोग, ये तुम्हारे लिए, वो अपने पास नहीं रखते क्योंकि विकल्प हो जाते हैं। अब आहार करने गए और आज पाचन टेबल पर चौकी पर रखे छोड़ गए, वो तो कोई आ गए और यहाँ तो काम हो गया, कोई ले गया, कोई ज्ञानी व्यक्ति ले गया कि अरे साधुओं के पास सोने की माला नहीं होना चाहिए, परिग्रह होता है, चल ले चलते हैं, तब तो दोष नहीं लगेगा उनका, परिग्रह तो छुड़ाएंगे पर अपन को दोष नहीं लगेगा, ले जाएंगे। एक तो चोरी का दोष लगा, चोरी करके ले गए, चोरी का दोष लगेगा और अलग घर को भोगेंगे, साधुओं को विकल्प पैदा कर दिया, कितने विकल्प आएंगे। इसलिए जिन कामों से विकल्प ना हो माल ही रखो, माल वो रखो जो आप उपयोग करें, और उसके बाद कोई ले नहीं जाए तो कोई विकल्प नहीं आ ले जाए, कोई बात नहीं, कहीं रखे भूल गए कोई बात नहीं, चले जाए तो दूसरी आ जाएगी, तो कोई विकल्प नहीं आना चाहिए ऐसे माल रखें। और अगर कोई अच्छी माला रखकर भी और विकल्प नहीं आता है आपको, कोई बात नहीं ठीक है रख लो भैया, कोई अगर उठा ले ले जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर अच्छी माला तरफ की है और कोई ले जाए तो विकल्प तो आ ही जाते हैं, तो ऐसे विकल्प को पैदा करो ही क्यों, रखो ही क्यों, रखने ही नहीं चाहिए ऐसी माला। तो उत्कृष्ट माला तो बढ़िया है, सूत के धागे की हो और मन लगाए तो जैसा तरफ बढ़ता है वैसे वैसे भाव भी बढ़ते चले जाते हैं। कौन सी माला का क्या फल है, कौन सी माला का क्या फल है, तो उंगली से माला करोगे, देखो जो वर्णन है वो होता है, उंगली से माला करेंगे 10% फल मिलेगा, लौंगी माला से करोगे तो 5000 गुना, स्फटिक की माला से करोगे तो 10000 गुना, मोतियों की माला से करोगे तो 1,00,000 गुना, कमल बीज से करोगे तो 10,00,000 गुना, सोने की माला से करोगे तो करोड़ गुना फल मिलता है। लेकिन माला के साथ कंडीशन अप्लाई, भावों की शुद्धता में होना चाहिए, ये कंडीशन अप्लाई है। माला के साथ साथ क्या हो, आपके भाव भी शुद्ध हो, भाव दूसरों को गिराने की है, दूसरों को दिखाने की है, दूसरों के प्रति देखा है मैं सोने की माला से जाप कर रहा हूँ, अभिमान के भाव है तो रत्ती भर भी फल नहीं मिलने वाला, उंगली में तो 10% मिल ही रहेगा उसमें तो रत्ती भर भी नहीं मिलेगा। इसलिए द्रव्य के साथ साथ भाव का होना भी बहुत जरूरी है, भावों की शुद्धता भी होनी चाहिए। अब क्या आती है, किस आसन पर बैठकर जाप करना चाहिए, आसन सफेद वस्त्र की आसन हो तो यश ख्याति वृद्धि होती है उसकी, यश ख्याति में वृद्धि होती है सफेद आसन में बैठकर जाप करता है। हल्दी के रंग हुए वस्त्र पर अगर जाप करता है तो हर्ष प्रदायक है, प्रसन्नता देने वाला है, हर्षित होने वाला है।
पर हो वो भी हर्ष प्रदायक होता है, हर्ष को बढ़ाने वाला, प्रसन्नता देने वाला। सर्वश्रेष्ठ आसन कोई माना गया है तो डाभ का आसन माना गया है। डाभ जो पत्ते होते हैं उन पत्तों का आसन, जूट का आसन, जटा का आसन, ऐसे आसन सभी कार्यों की सिद्धि के लिए माना गया है ऐसा डाभ का आसन। और डाभ के आसन पर बैठकर ऐसा बताया गया है श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे तीला उपवास किया था, 3 दिन का उपवास। उपवास करके उनकी जो कार्य था उस कार्य की सिद्धि हो गई थी ऐसा हरिवंश पुराण में ग्रंथ में उल्लेख लिखा है। श्री कृष्ण 3 दिन तक डाभ के आसन पर बैठकर जाप की, जिससे उनकी कार्य की सिद्धि हुई। और ऐसा डाभ का आसन मिले तो उस पर बैठकर आपको जाप करना चाहिए। और भी आसन है, किस आसन पर बैठकर जाप नहीं करना चाहिए, क्या फल मिलता है उसका, उसके लिए बताते हैं कि बांस के आसन पर बैठकर किया गया जाप दरिद्रता का प्रतीक है, दरिद्रता प्रदायक है। धरती पर बैठकर किया गया जाप दुखदायक है। पाषाण की शिला पर बैठकर किया गया जाप रोग प्रदायक है। धरती पर हो गया घास पर बैठकर की गई जाप चित्त की चंचलता अस्थिरता प्रदायक है। और पट्टी पर बैठकर की गई जाप दुर्भाग्य या भाग्यहीनता का प्रदायक है। हिरण शेर बाघ आदि जानवरों की चमड़ी की छाल पर बैठकर किया गया जाप अज्ञान का प्रदायक या ज्ञान का हरण करने वाला है। नीले वस्त्र पर बैठकर की गई जाप दुख प्रदायक है। हरे वस्त्र पर बैठकर की गई जाप मान भंग में कारण बनती है। चमड़ा कंबल ऊन के आसन पर बैठकर की गई जाप पाप वृद्धि में कारण है। ये उपरोक्त जो भी आसन बताए गए हैं ये सब अशुभता के प्रतीक हैं। इन आसनों को बैठकर कभी भी जाप नहीं करना चाहिए। तो उत्तम जाप में डाभ का आसन, डाभ का हो, लकड़ी की चटाई हो, ऐसी उस पर बनाए जाप करें तो कोई प्रयोग नहीं है। नीचे बैठकर भी नहीं करना चाहिए कि जमीन पर सीधे बैठ गए और शुद्धि का ध्यान रखें, शुद्धि विशेष हो तो अच्छा है, उस पर जाप करें तो वो आपके मन में शांति प्रदान करने वाली होती है। तो ऐसे आसन का प्रयोग ना करें। अब एक जिज्ञासा आती है कि जाप कहां पर करना चाहिए, किस पर तो हो गया और कहां पर करनी चाहिए और क्यों, कहां करने का क्या फल मिलता है ये बताना है। तो देखिए जाप घर में, जंगल में, बगीचे में, मंदिर में कहीं भी कर सकते हैं। फिर भी स्थान विशेष अर्थात मंदिर आदि में किए गए जाप का फल अद्भुत होता है। अपने घर में जाप करने का फल 1 गुना, वन में जाप करने का फल 100 गुना, पवित्र बगीचे में, उद्यान में, पवित्र वन में की गई जाप का फल 1000 गुना और पर्वत पर जाप करने का फल 10,000 गुना, नदी के किनारे जाप करने का फल 1,00,000 गुना और जिन मंदिर में जाप करने का फल करोड़ों गुना होता है। साक्षात जिनेंद्र भगवान के निकट हमें जाप करें तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। हमें इसलिए मंदिर में ही जाप करें बहुत अच्छा है, विशुद्धि पूर्वक। यहाँ सबसे बढ़िया पवित्र वर्णा जो होती है उनकी मठ में बैठकर भगवान का नाम लेते हैं तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। मानव किस उंगली से करना चाहिए, मानव किस उंगली से, देखिए सभी उंगलियों से जाप करने का अलग अलग फल है, महत्व बताया गया है। मोक्ष प्राप्ति के लिए अंगूठे से जाप करना चाहिए, अंगूठे से दाने को सरकाएं। औपचारिक कार्यों के लिए अनामिका का प्रयोग करें, अनामिका का प्रयोग करें औपचारिकता निभाने के लिए। धन की, सुख की प्राप्ति के लिए मधुमा उंगली से जाप करें, मधुमा उंगली। ग्रह आदि के उपद्रव शांति के लिए कनिष्ठा उंगली का प्रयोग करना चाहिए, ये कनिष्ठा उंगली है। और शत्रु नाश के लिए, ऐसे पन्नी सोचते हैं शत्रु का नाश हो, उसके लिए तर्जनी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अलग अलग उंगली से जाप करने का अलग अलग फल
ग्रंथों में उपलब्ध मिलता है। वो तो एक तो परिश्रम है, एक तो मेहनत, एकाग्रता, उससे एकाग्रता चाहिए होती है तभी कर पाएंगे। क्या एक जिज्ञासा और देखें, जाप करते समय माला कैसे पकड़ना चाहिए, पकड़ना तो धर्म से ग्रंथ है, उसके अनुसार जाप करते समय माला के मेरु ग्रंथ का मतलब तीन मुनि वाला जो मेरु ग्रंथ है उसका उल्लंघन अर्थात पार ना करते हुए जाप करें। अर्थात जब एक माला पूर्ण हो जाए तो दूसरी माला करते समय माला को पलट देना चाहिए, जहां प्रथम माला समाप्त की वहीं से दूसरी माला प्रारंभ करना चाहिए, मेरु को लाभना नहीं चाहिए। एवं जाप करते समय मन को पंच परमेश्वरी के ध्यान में लगाना चाहिए, अपने बाएं हाथ को अपनी गोदी में रखना चाहिए एवं ज्ञान मुद्रा धारण करके तर्जनी उंगली को नमोकार नमाकार अंगूठी के जड़ से लगा देना चाहिए, मतलब जो अंगूठी अधिग्रह जो होते ना जिसमें वो भी करते हैं उसमें लगा देना चाहिए, अंगूठी में लगा देना चाहिए और तीनों उंगलियां खड़ी रखना चाहिए। अर्थात अपने दाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी से निर्मल जाप की माला फेरना चाहिए। जाप करने की विधि बताई गई है। इसके सिवा जो कोई मनुष्य अपने हृदय में उद्वेग व चंचलता रखता हुआ जाप करता है अथवा जो उंगलियों के नख के अग्रभाग से जाप करता है, नाखूनों के अग्रभाग से जाप करता है, वह सब जाप निष्फल कही जाती है, ऐसा क्रिया कोष ग्रंथ में बताया गया है। तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि उत्कृष्ट जाप अच्छी मुद्रा बनाकर ही हमें करना चाहिए और मन में एकाग्रता पूर्वक पंच परमेश्वरी का स्मरण करते हुए जाप करें। तो जैसे जाप करोगे वैसे फल की प्राप्ति होगी, इसलिए शुद्धता पूर्वक जाप करें। जाप कौन सी उंगली से प्रारंभ करना चाहिए? तो जाप दाहिने हाथ की जो मध्यमा उंगली है, मध्यमा उंगली के दूसरे नंबर के पर से प्रारंभ करके ऊपर की ओर पर से होते हुए पुनः मध्यमा के तीसरे पर से अनामिका उंगली के निचले पर से ऊपर की ओर प्रथम पर तक अंगूठे के माध्यम से गिनती करना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे तीन उंगलियों के माध्यम से हम जाप करना चाहिए और एक चक्कर में 9 बार अवतरण हो जाता है। बाएं हाथ की उंगलियों में 12 पर्व कहलाते हैं, चार उंगलियों के 12 पर्व। इन 12 पर्वों में आप 9-9 पढ़ेंगे तो 12 × 9 = 108, 108 बार आपकी जाप एक माला पूरी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आप कर सकते हैं। हाथों की उंगलियों के माध्यम से 108 बार जाप करते समय कुछ चिंतन कर सकते हैं क्या? जिज्ञासा। हाँ, जाप करते समय चिंतन तो परमेश्वरी का ही सतत करना चाहिए, फिर भी हाथों की उंगलियों से जाप करते समय एक बात को ध्यान और भी रखना चाहिए कि जिस प्रकार 108 मंत्रों को जपने के लिए उंगलियों के तर्वों का सहारा लेना पड़ता है, अर्थात बाएं हाथ की उंगलियों के 12 पर्व और दाएं हाथ की उंगलियों के 9 पर्व गिने जाते हैं, उसमें 12 × 9 = 108 होती गिनती होती है। बाएं हाथ की उंगली के 12 पर्व 12 कसाई के प्रतीक है। 12 कसाई अनंतानंदी क्रोध मान में लो, प्रत्याख्यान क्रोध मान में लो और अनंतानंदी प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान क्रोध मान में लो, ऐसी 12 कसाई है। तो 12 कसाई और दाएं हाथ की उंगलियों के जो 9 पर्व है उन 9 पर्व की 9 कसाई के प्रतीक है। तो हस्त रति अति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद इन कषायों से और उपरोक्त 12 कषायों से मेरी आत्मा कैसी हो? मुक्त होकर जिन्हें भगवान के समान मोक्ष को प्राप्त करे, यह चिंतन हमें जाप करते समय करना चाहिए जिससे बहुत विशुद्धि बढ़ती है। एक बच्चे ने जिज्ञासा की थी कि 9 बार नमस्कार क्यों पढ़ते हैं? जब देखो बोले 9 बार नमस्कार पढ़ लो, 10 बार
करोगे उसका योग 9 ही आता है। 9 से 10, 11, 12, 13 कितनी बार भी पढ़ लेना उसका जो योग होगा टोटल वो 9 ही आएगा। 9 से कितना हो गया 63, 6 प्लस 3 9, 9 आएगा 81, 8 प्लस 1 9, कहीं से भी लगा लेना 9 के पार्ट से कहीं भी लगा लेना उसका योग जो आएगा वो 9 ही आता है। इस तरह 9 का आंकड़ा अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ता। उसी तरह से भगवान मैं भी संसार में रहते हुए अपने धर्म की मर्यादा को कभी नहीं छोड़ू, कभी नहीं भूलू, आपका स्मरण सतत मुझे बना रहे जिससे मैं आपके समान मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। ऐसी मनोरम भावना के लिए हमें 9वां नामकरण पढ़ना चाहिए। आगे और जान समय की जिज्ञासा आपको कल बताएंगे। आज का समय हुआ प्रश्नोत्तर प्रारंभ करते हैं और प्रश्नोत्तर भी आज इसी में से पूछेंगे। तैयार रहिए। हाँ, पहला क्वेश्चन आपको बताना है जाप कितने प्रकार की होती है। नाम बताइए जाप कितनी प्रकार की होती है। नाम बताइए नोट करिए बताओ। अच्छा और गणना क्या किया
तीला किया था, तीन दिन का तीला किया था। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे तीला उपवास करके इसीलिए क्या मैंने किसे उसे क्या फल मिला था? एक चूड़ी है बस, बाकी सब हो गया। एक सब है किसके लिए की थी? आत्मा में बोला ना किसके लिए की थी, ये भी तो बोला ना। किसकी सिद्धि? चलो थोड़ा सा हम बताते हैं, काले की सिद्धि। उस काले की सिद्धि के लिए वो विधि विधान से पूर्वक जाप करने की। सही जवाब। अगला प्रश्न, बांस के अंदर पर बैठक किया गया क्या क्या फल देता है? बांस के आसन पर किया बैठक किया गया क्या क्या फल देता है? दरिद्रता बताया, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन आपको बताना है, कंबल ऊन आदि के आसन पर बैठकर की गई क्या से क्या फल मिलता है? तीनों
से ना बोल सके। बिल्कुल सही जवाब। Yeah,